एक ओर जहां दुर्ग जिले में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर सेक्टर 7 पीजी कॉलेज से विचलित करने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। शुक्रवार को बीएसपी के छात्र सोशल डिस्टेंसिंग भूल ऑनलाइन हार्ड कॉपी को जमा करने कॉलेज परिसर में इकट्ठा हुए, जिनकी संख्या सैकड़ों में थी। बहरहाल कल्याण पीजी कॉलेज पर भी इस लापरवाही के लिए सवाल उठते हैं। ये कॉलेज अपनी अपरिपक्वता व अव्यवस्था का परिचय दे रहा है। जब इनको पता है कि हमारे यहाँ 3000 की स्ट्रेंथ है बच्चों की, तो इनको दिन बढ़ाने चाहिए थे। इसी मांग को लेकर आज एनएसयूआई ने ज्ञापन भी दिया है, व अन्य छात्र संगठनों ने भी इसका समर्थन किया है। और अभी हाल में ही हमने प्राचार्य को बुला के कॉलेज की स्थिति का जायजा कराया है, जिससे बच्चों में इतनी भीड़ हो चुकी है, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, ना ही कोई मास्क लगा रहा है, ना ही कुछ हो रहा है। तो इसी को लेके अब हम कॉलेज का विरोध कर रहे हैं। एग्जाम फॉर्म की जो हार्ड कॉपी होती है वह जमा करने की लगी हुई है। यूनिवर्सिटी की भी इसमें एक गलती है। यूनिवर्सिटी चाहता तो ऑनलाइन कॉपी के तौर पर ही सबमिट लेता। हार्ड कॉपी अगर उन्होंने जमा करने छात्रों को नहीं कहा होता तो इतनी भीड़ कॉलेज में नहीं होगी। इससे तीसरी लहर को बढ़ावा भी मिलेगा, जैसे कि आप सभी भी देख ही रहे हैं वीडियो के माध्यम से कि यहाँ कितनी भीड़ उमड़ी है। इस सब को लेकर उमड़ी को भीड़ फैलेगा, इसलिए एनएसयूआई अभी थोड़ी देर बाद ही यूनिवर्सिटी का घेराव भी करने वाली है ऑनलाइन एग्जाम को लेकर। वह फॉर्म भरने की डेट में वृद्धि हो और हर चीज़ में वृद्धि दे, क्योंकि आप जानते कोरोना के चलते इस साल जो आपका शैक्षणिक कैलेंडर है वह भी लेट ही शुरू हुआ है, तो हम उसमें समय की अधिक मांग करते हैं।